बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचाओ सूप। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निशिता'स किचन। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचाओ सूप। इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस, शेयर माय वीडियो एंड लाइक आल्सो। चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे मैंने उबले हुए नूडल्स ले लिए हैं 1 बाउल। इसमें मैं 1 स्पून कॉर्नफ्लावर मिलाऊंगी, जिससे ना ये क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे ना ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम होटल स्टाइल बनेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ले लिया है मैंने, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। ये हमारा मिक्स हो गया अच्छे से, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम ऐसे ही सारे फ्राई कर लेंगे। आप इसको हाई फ्लेम पे रखिएगा, वरना ये बहुत तेल पी जाएंगे। हमारे नूडल्स तैयार हैं। ये देखिए एकदम है ना क्रिस्पी। हमारे नूडल्स हो गए हैं, अब हम एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लेंगे। मैं यहाँ पे 4 टीस्पून के करीब तेल डाल रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा एकदम फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल लेंगे 1 टीस्पून के करीब। मैं इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जिंजर डाल लेंगे, ये एकदम महीन चॉप्ड है। ये ऐसे ही ग्रीन चिली भी 1 टीस्पून के करीब। अब हम इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये हमारा सॉटे हो गया है, अब मैं इसमें 1/4 कप अनियंस डाल दूंगी एकदम फाइनली चॉप्ड। इसको अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। ऐसा ही मैंने कैरेट्स भी कर लिया है 1/4 कप एकदम महीन चॉप्ड, और ऐसा ही कैबेज भी है। ये एकदम महीन चॉप रखिएगा और इसका फ्लेम हाई होना चाहिए। ये फ्रेंड्स हाई फ्लेम में करके ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा मंचाओ टेस्ट आता है। अब मैं इसमें एज पर टेस्ट सॉल्ट डाल दूंगी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आप इसको भी एज पर टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। अब मैं यहाँ पे सोया सॉस डालूंगी, ये होगा 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं इसमें 1/2 लीटर के करीब वाटर डाल रही हूँ। आप इसमें स्टॉक भी डाल सकते हैं, मैं आपको स्टॉक की वीडियो जल्दी दूंगी। हम इसको कुक कर लेंगे अब 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर लिक्विड बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये मोटा नहीं होना चाहिए और इसको ना हम डालते डालते हिलाते भी रहेंगे, वरना फिर हमारे गांठे बन जाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, गांठे भी नहीं है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे।
क्योंकि मेरे को स्पाइसी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सूप एकदम अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे जो नूडल्स थे वो डालेंगे। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मंचाओ सूप तैयार है। प्लीज फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज रिशिताज किचन। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू।